आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। बिहार का मोतिहारी जिला इन दिनों अवैध सेक्स वर्करों का सेफ जोन बनता चला जा रहा है और यहां दर्जनों की संख्या में अवैध सेक्स रैकेट संचालित हो रहे हैं। जहां पिछले दिनों महसी के एक आवासीय होटल में मोतिहारी पुलिस ने दर्जनों सेक्स वर्कर लड़कियों और युवकों को पकड़ा था और आज एक बार फिर मोतिहारी शहर से सटे जिले के प्रतिष्ठित डीएवी विद्यालय के पास एक आलीशान बंगले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक बार फिर एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया है। साथ में कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद होने की सूचना है। जहां छापेमारी में प्रशिक्षु डीएसपी विनीता सिन्हा के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं शहर से सटे डीएवी मोड़ के पास हुई छापेमारी में पुलिस ने एक बड़े गिरोह को धर दबोचा है। वहीं सफलता पाई गई है और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी संभव बताई गई। और यहां हम आपको बता दें कि जिले में इन दिनों सेक्स वर्करों व इनके दलालों का सिंडिकेट काफी फल फूल रहा है और जिले के कोने कोने में अवैध सेक्स रैकेट चलाने का धंधा बेरोक टोक संचालित हो रहा है, जिसके कारण युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही और सेक्स वर्कर इन्हें कंगाल करने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और ऐसे में आज मोतिहारी पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि शहर के बड़ा वरियारपुर स्थित डीएवी मोड़ के पास एक आलीशान बंगले में सेक्स रैकेट का संचालित हो रहा है। वहीं प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना की पुलिस ने वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 5 औरत और 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। सुने इस मामले के संबंध में डीएसपी विनीता सिन्हा ने क्या कुछ बताया है। अभी एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए हमने एक रूटीन रेड किया है। उसमें कुछ लोगों को हम पूछताछ के लिए थाना पर लेके जा रहे हैं। आगे जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग थे? 5 महिलाएं और 2 पुरुष को अभी हम लोग पूछताछ के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं। और कुछ आपत्तिजनक सामान अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। बियर का एक बोतल वगैरह भी मिला है क्या? ना, बियर का नहीं। बिहार के मोतिहारी से संवाददाता विवेक कौंडिल्य की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।